पानी का दुकान बताया है वहाँ पिता को छोड़ खाली है माँ पिता 1979 का मतलब है उस समय मात पिता की सीट फिक्स हो गई। हाँ जी हाँ जी। तो उसके दो साल के बाद 1995 में बता रहे हैं शिवाय ब्रह्मा बाप और जगदम्बा के और सब फिक्स खाली है। शिवाय ब्रह्मा बाप और जगदम्बा के और सब कुछ खाली है। हाँ। कोई भी ले सकता है एक साल वाला भी ले सकता है एक साल वाला भी ले सकता है जो एक साल में ज्ञान में आया है वो भी ले सकता है। हाँ जी जगदम्बा मुक्ति का अभी जो पिता है अभी माता है वही होगा अभी जो काक्रम के पास था मूर्ति में एक बाप है और त्रिमूर्ति में दो माताएं जो दो माताएं हैं उनमें एक माता को ब्रह्मा के रूप में दिखाया गया जिसको ब्रह्मा सो विष्णु बनना है बनना है और एक माता है जो वैष्णवी शक्ति के रूप में थी यज्ञ के आदि में भी थी संक्षेत्र में मध्य में भी थी। लक्ष्मीनारायण का जन्म इकट्ठा होता है। लक्ष्मीनारायण का जन्म कब हुआ आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ तो मध्य में भी थी और अंत में भी जब संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होंगे तो भी रहेगी। उसके लिए खास बोला हुआ है कि शक्ति गीता से 1 सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है ब्रह्मा से क्या बन जाता है विष्णु बन जाता है। नहीं दादा लेखराज की तोल त्रिमूर्ति में नहीं है। अगर वो तोल त्रिमूर्ति में हो तो फिर कृष्ण बच्चा कौन बनेगा ब्रह्मा को तो दिखाया है। हाँ। तो वो सिर्फ ब्रह्मा को उस समय दिखाया है जो ओरिजिनल आत्मा है उस समय मौजूद नहीं थी इसलिए ब्रह्मा को दिखाया है। वैष्णवी में दो शक्ति है इसे कहा जाता है महालक्ष्मी एक लक्ष्मी और दूसरी जगदम्बा। तीन भी खाली है। ये सिवाय उस समय जो बोला था जगदम्बा और जगत पिता के बारे में वो त्रिमूर्ति के लिए बोला और ये कौन सी संख्या की वाणी है 2000 है दो सी खाली हुआ नहीं फिक्स हुआ है अनाउंस नहीं हुआ। हाँ तीसरी और चौथे नंबर की खाली है अनाउंस नहीं है अनाउंस होने वाला है। खाली थी
हाँ जी मैंने अनाउंस होने वाला है और उसके जस्ट बाद बोल दिया दो तीन से फिक्स हो गई बाप ब्रह्मा बाप और जगदम्बा उसके तुरंत बाद ही बोला गया ब्रह्मा माने ब्रह्मा तो विष्णु बनने वाली शक्ति बाप और जगदम्बा जो ब्रह्मा जो विष्णु बन जाता है वो ब्रह्मा माने ब्रह्मा जो विष्णु वो तो एक ही हो गया बाकी रहा बाप और तीसरी है जगदम्बा भारत माता नहीं बताया ब्रह्मा का गायन भारतवर्ष में है विदेश में नहीं है इसलिए बताया कि ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है भारतवासी ही ब्रह्मा तो विष्णु बनते हैं विदेशी ब्रह्मा तो विष्णु नहीं बनते चंद्रमा के रूप में मानते हैं चंद्रमा के रूप में अधूरे को मानते हैं या संपूर्ण को मानते हैं संपूर्ण तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पाती अधूरा चंद्रमा भी संपूर्ण तब बनता है जब बाप के बिल्कुल नजदीक होते होते संपूर्ण पढ़ाई पढ़ लेते हैं और दूसरे धर्म की आत्माएं तो बाप के संपन्न स्वरूप तक पहुंच भी नहीं पाती इसलिए बीच में ही शरीर छोड़ना पड़ता है वो 84 जन्म भी नहीं लेंगी और माना बैठने वाला अलग है और जिस पर बैठते हैं वो अलग है जैसे कहते हैं नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं माने जब नैया नहीं डूबेगी तो नैया में बैठने वाला बिखैया डूबेगा क्या माने दोनों के लिए बोला गया वो नवैया भी काक की दिखाते हैं सिख लोग में इसलिए गायन है कि वो जो अकाल शक्ति के रूप में पार्ट बजाने वाली हस्ती है जिसके लिए कहा नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं हिलेगी डुलेगी लोढ़ेगी लेकिन डूबेगी नहीं वो हस्ती पंजाब के खून से निकलते तख्त है बैठने की माने रामकृष्ण की आत्माएं धरणी का आधार लेकर के चलती है और जो भी अवतार है वो जानवर अवतार दिखाए गए हैं वो जल का आधार लेकर के चलते धरणी का आधार लेकर नहीं चलते माने कन्याओं माताओं को आगे नहीं करते उनका आधार लेकर के नहीं चलते वो ज्ञान के गरूर में आ जाते हैं रामकृष्ण की आत्माएं ज्ञान के गरूर में नहीं आती कन्याओं माताओं को आगे बना करके रखती है माता गुरु बनाकर रखती है इसलिए बोला गया बाबा अकाल तख्त और अकाल मूर्त दोनों एक ही मूर्त माने एक होता अमूर्त अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो एक होता है मूर्त अर्थात जिसकी मूर्ति बनी हो और एक होता है उस मूर्ति का तख्त जिस तख्त के ऊपर मूर्ति बैठाई जाए तो रामकृष्ण की आत्माओं की तरफ इशारा किया गया है कि वो कन्याओं माताओं का आधार लेकर के ज्ञान में चलते हैं तो जिनका आधार लेते हैं उनको नवैया के रूप में दिखाया है सिखों में अकाल तख्त के रूप में दिखाया है काठ का दिखाया है कहते भी है तख्त बुद्धि ही
गुलर कहते हैं वो वास्तव में उसका नाम है गुयलर गुयलर लर माने लड़ी और गुय माने बहुत गुप्त गुय गुप्त माने उसमें जो फल लगते हैं वो डालियों में नहीं लगते वो फल सीधे उसमें क्या नाम तने में लगते हैं नहीं 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 फल फल तो फूल जो आता है वो फूल तो सुखदायी होता है कोई भी फूल हो चाहे दुर्गंधित फूल भी हो तो भी देखने में तो अच्छा लगेगा ना आंखों को तो अच्छा लगेगा ना लेकिन वो फल ऐसा होता है जो ऐसी फलों की लड़ तैयार करता है लड़ी तैयार करता है जो वो क्या कहते हैं फूल नहीं होते जो रुद्रमाला के मड़के हैं वो फूल नहीं होते मतलब फूल कहेंगे वास्तव में फूल नहीं है लेकिन वो फल ही फल है हैं हाँ जी तो फूल नहीं आता न किसी ने वो फूल देखा है अमावस्या दूध का चांद हाँ अक्षय द्वितीय हाँ जी हाँ जी आपकी बात रविंद्र भाई ज्यादा समझे पहले समझो जो गरीब लोग है बड़ा बहन उनके पास जाना क्या ठीक है अभी तो ज्ञान में चलता है ना तो ये क्या आ रहा है ना जब रावण मर जाता है दशहरे पर तो रावण के मरने के बाद दीपावली मनाई जाती है क्या जब तक रावण है तो दीपकों को बुझाता रहता है जब रावण हरण हो जाता है तो दीपक सुरक्षित होने लगते हैं उनके सुरक्षित होने पर पहले पहले रुद्रमाला की दो आत्माएं हैं जिनमें एक दीपक जलाया जाता है दीपावली पर उसको कहते हैं धर्मराज का दीपक और उसकी भी एक बड़ी बहन है जिसको कहा जाता है जगदम्बा क्या वो जगदम्बा जो है वो भैया जी जो मनाई जाती है साथ में जबकि आत्मा संपन्न बन जाती है उससे पहले नहीं वही लोगों का पास जाने का कोई तो लौकिक है तो वहाँ कोई जगदम्बा है क्या नाम
नाग कहते हैं सर्प को, काम क्रोध लोगों को अहंकार के सारे ही सर्प हैं। उन सर्पों के मस्तक में बैठी हुई है आत्मा रूपी मणि, जिन्होंने आत्मिक स्मृति से उस मणि को सिद्ध कर लिया वो ही नागमणि कहे जाते। और 1966 में ऐसा कोई वाणी निकला कि आने वाले 10 वर्ष में मेरे पाप पांडुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई वाणी निकला? जब पुरानी दुनिया खड़ा और नई दुनिया की स्थापना होने का समय है तो पुरानी दुनिया से बुद्धियों को टूट जाना चाहिए या नहीं टूट जाना चाहिए? मान प्रति हो गया, वाणी से परे हो गया, दुनिया में वाणी चलाने की दरकार ही नहीं रह गई। जो आत्माओं की दुनिया है, माने जो 84 जन्म लेने वाले एडवांस पार्टी के बच्चे हैं, उनमें ही बुद्धि योग लगाना है, बाकी से बाण प्रस्ताव है। इसलिए कोई कोई एडवांस पार्टी में बोल रहे हैं कि वास्तव में 1976-77 में एक बार बाप प्रत्यक्ष हो गया आपकी प्रत्यक्ष वर्ष में, और बाद में बाप बाणप्रस्थी हो गया और मुरली चलाना कृष्ण ने शुरू कर दिया। कृष्ण ने मुरली चलाना शुरू कर दिया, अब कृष्ण ने शुरू कर दिया। देखो बेसिक नॉलेज में भी आत्माओं को महत्व देने वाले ने आत्मा को महत्व दिया, और एडवांस में भी उनके बीज हैं वो यहाँ भी परमपिता परमात्मा को देखेंगे या आत्मा को ही देखेंगे? किसको देखेंगे? देखने वाले आत्मा को देखेंगे। और जिनका लगाव एक निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर से लगा होगा, पहचाना होगा, उसको देखेंगे ना, राम को देखेंगे ना, कृष्ण को देखेंगे। तो यहाँ तो सब तरह के हैं बीज रूप आत्मा। और रामारी आत्मा, रामारी आत्मा हमें तो याद में रहते हैं, लेकिन 76 के बाद यदि मुरली चलता है रामारी आत्मा भी मुरली चला सकता है कभी कभी? ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है, वो तो मुरली में भी बोलता है, लेकिन रामारी आत्मा तो इंटरफियर नहीं करती है, तो वहाँ भी इंटरफियर उसको करने की दरकार नहीं है। जब तक तपस्या पूरी न हो जाए तब तक उस आत्मा को तपस्या नहीं रहना। तपस्या पूरी हो गया तो 2009-10 में अजी हमारी आत्मा का बाप बच्चे से पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा या साक्षात प्रत्यक्ष होगा? साक्षात प्रत्यक्ष होगा, तो बाप का प्रत्यक्ष होने का टाइम है और बच्चे का प्रत्यक्ष होने का टाइम कब है? शिवरात्रि में ही चक्र रात्रि मनाई देती है, वो भी रात्रि के 12 बजे और वो भी रात्रि के 12 बजे की यादगार बच्चे के साथ ही साथ बाप प्रत्यक्ष होते हैं। जो बच्चे का जन्मदिन वो ही बाप का जन्मदिन। तो तीसरा मूर्ति जब आएंगे, तीसरा मूर्ति जब आएंगे तो अभी तो प्रत्यक्ष हो जाएगा? आने मात्र से नहीं हो जाता है, आना जो है तीसरी मूर्ति का प्रत्यक्ष होना माने आना, वो अपने कुल में पहले होगा या दूसरे के कुल में पहले हो जाएगा? उनका अपना कुल कौन सा है? नहीं, उनका अपना कुल है चंद्रवंश। चंद्रवंश? हाँ जी, राधा चंद्रवंश से प्रत्यक्ष होगी या सूर्यवंश में प्रत्यक्ष होगी? तो चंद्रवंशियों में पहले प्रत्यक्षता होगी, चंद्रवंश में बने एडवांस का जो चंद्रवंशी है। हाँ जी, एडवांस का चंद्रवंशी तो और भी पहले पहचानेंगे क्योंकि वो तो बीज है, ज्ञानी है। और तो प्रत्यक्ष का बात रामायण आप तो मुरली चला सकते हैं? जो समझदार बच्चे होते हैं वो बाप जब बोल रहा हो तो बच्चों को बोलना चाहिए क्या?
नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को बाप समान बनाकर तब जाता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा बच्चा कौन? राम वाली आत्मा। तो जब उसको आप समान बना देगा तो जो सुप्रीम सोल बाप है उसको बोलने की दरकार है? तब बोलने की दरकार नहीं, बच्चा काम करेगा। अगर एक बात का आपने सुना जो शंकर का काम कौन करते हैं? शंकर का काम तो ब्रह्म बाजा है। शंकर का जो पाठ वास्तव में ब्रह्म बाजा है। इसलिए वार्तालाप में ठीक है सुना दैट मीन्स शंकर का पाठ जब से शुरू हुआ मुनि तो शिव बाबा देते हैं लेकिन शंकर का जो पाठ है वो कृष्ण वाली आत्मा बाजती है। माने 21 बारी में 19 चक्कर के बारी में मुनि तो शिव बाबा देते हैं। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन समझे चाहे वाणी चलाने वाला समझे, हमको क्या समझना है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला कौन है, वाणी चलाने वाला कौन है, डायरेक्टर कौन है, हमको डायरेक्शन देने वाला कौन है? हमारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? हर बात में शिव बाबा रहना चाहिए। शिव बाबा बुद्धि में रहेगा तो शिव बाबा ही याद आवेगा। अगर कृष्ण को याद करेंगे तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। ना कृष्ण को याद करने की बात नहीं है तो जैसे वाणी को बुद्धि में लाने की ही बात क्या है? सर आपने जैसा बोला आपने बोला शंकर का पाठ कौन बजे थे? शंकर माने मिक्स। शंकर तो मिक्स शंकर माना ही मिक्स। मिक्स का मतलब है एक शिव की सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आत्मा का नाम शिव है, उनके शरीर का नाम नहीं होता। बाकी जब शंकर कहते हैं तो कोई शरीरधारी दूसरा है जिसके शरीर का भी नाम शंकर है। माना शरीर है राम वाली आत्मा का इसलिए वो शंकर है। बोलने वाली आत्मा कृष्ण और शिव है इसलिए वो शंकर है। शंकर माना मिक्स, एक की बात नहीं है। जब नारायण बनेगा तो कृष्ण नहीं होगा, वो कृष्ण जो है इस बुद्धि रूपी पेट में से हटके कहाँ चला जाएगा? वो तो स्थूल बुद्धि रूपी पेट में जाके जन्म लेगा। सत्यनारायण जो होगा उसमें कृष्ण और ब्रह्मा की सोल नहीं काम करेगी, शिव भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा बाप का मन बन गया। शिव बाबा ये यज्ञ चलाएंगे हमको पकड़ना चाहिए शिव बाबा को। तो शिव बाबा जब यज्ञ चलाएंगे तो यज्ञ तो वैकुंठ जैसा होगा, लेकिन यज्ञ जो भी देखते हैं बाबा ने बोला ये अभी की राम राज्य में राम की राज्य है, अभी की तो राम राज्य में राम की राज्य नहीं है। अभी दुनिया में राम का राज्य है, इसका जवाब यह है राम का राज्य पहले घर में होगा या पहले दुनिया में होगा? और घर में भी पहले घरवाली के ऊपर राज्य होगा कि दुनिया वालों के ऊपर राज्य होगा? और जब राम का राज्य राम की घरवाली के ऊपर होगा तो बच्चा रविंद्र का नहीं होगा? होगा ना। जब तक राम राज्य नहीं खुला है तो राम राज्य नहीं कहेंगे, राम राज्य तो नहीं कहेंगे। नहीं तो शिव बाबा तो नहीं चलाते हैं, शिव बाबा चलाएंगे। शिव बाबा तो डायरेक्शन दे रहे हैं आज से ही। समझने वाले सुनने वाले सुन रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, चलने वाले चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% कोई चल रहा है। राम नहीं चलता अकेला चना बाहर फोड़ेगा क्या? अकेला चना बाहर फोड़ सकता है क्या? ये प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है या निवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है? दो चाहिए या एक चाहिए? दो चाहिए। तो जोगों में ऐसा सिचुएशन हुआ कि बाबा ने एक फ्री में
कृष्ण ने आत्मा को शैतान उन्नुपाजी गाढ़ा बोल आप है बच्चे को कुछ भी बोल तुम्हें नाराज की वाले लेकिन जरूर जब भी कुछ कांडो किया तब तो बोला कुछ कर्मो किया तब तो बोला ठीक है तो जैसा अभी क्योंकि अभी तो पूरा जब में बैकुंठ नहीं है यहाँ तो परीक्षा चल रहा है ठीक है चारों बाजू में बहुत अशांति हो रहा है तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जगह में चले जैसे सभी एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया में जो भगवान आया भगवान जी भी परिवार है परिवार भगवान जी परिवार भगवान का परिवार है तो जो खाती ठोक के कहते हैं हम ईश्वर के बच्चे हैं वो अपने दिल में कभी झांक के देखते हैं किस परसेंटेज में कोई कहेगा कि हम 100% ईश्वर के बच्चे हैं कोई नहीं कह सकता तो जब कोई कह ही नहीं सकता तो 100% एक बच्चा भी नहीं तैयार है कहने के लिए तो राम राज्य है या रावण राज्य रावण राज्य राज्य है लेकिन को चलाने वाला तो बाबा है यज्ञ जो है यज्ञ किसको कहा जाता है यज्ञ माने क्या यज्ञ माने व्यक्ति या यज्ञ माने ज्ञान युक्त व्यक्ति और 100% ज्ञान युक्त व्यक्ति या परसेंटेज वाले ज्ञान युक्त व्यक्ति 100% वाले तो जब तक परसेंटेज वाले हैं तब तक ज्ञान यज्ञ की अंतिम आहुति है ही नहीं अंतिम आहुति माने स्वाहा है कुछ भी नहीं रहा हमारे पास न तन रहा न धन रहा न मन रहा न समय रहा न संपर्क रहा न संबंधी रहे सब स्वाहा ऐसी स्टेज किसी की है तो लोगों को जब स्टेज हो जाएगा हाँ जी तब लोगों में बैकुंठ होगा जब तक खुदी को खत्म नहीं किया देवान ही खत्म नहीं हुआ तो स्वर्ग में स्व माने आत्मा और ग माने गया आत्म की स्थिति में गया ही कहा कोई भी आत्म की स्थिति में नहीं गया बाप दादा भी आत्म की स्थिति में नहीं गए बाप दादा भी कहते हैं बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं जाके क्यों नहीं कोई क्या हो रहा है एक्यूरेट ड्रामा चल रहा है कहाँ पीछे हो रहा है पीछे कहाँ हो रहा है ड्रामा ड्रामा प्लान अनुसार ड्रामा कल्याणकारी है ये अकल्याणकारी कल्याणकारी आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ रहे पीछे हटने वाले पीछे हटने पीछे हटना मैंने बाप से दूर होना आगे बढ़ना वाले बाप के और नजदीक जाना दौड़ होती है ना तो दौड़ में क्या करते हैं जो ठिकाना होता है वहां तक दौड़ते हैं तो नजदीक आती जाती है ना बाबा पहले 2006 से 8000 तक बचपन स्थापित होगा 2006 से क्यों हिसाब क्या 2006 से का बचपन से कोई हिसाब है मुझे 33 का है किसी का था ना क्या 33 33 साल शंकर के लिए शंकर का मतलब ये है कि जो ब्रह्मा का पार्ट है उसका भी टाइम निश्चित है कितना साल 33 साल हो गया तो ऐसे ही शंकर का भी पार्ट जो है वो कोई को दिखाई पड़े कोई को नहीं दिखाई पड़े टाइम जब तक शूटिंग है तभी तक पार्ट है ना तो शूटिंग में तुम बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हो गए और जिनका विनाश होने है उनके लिए गुप्त हो गए बाप का काम ही है दुनिया का विनाश करना बाप काहे के लिए आते हैं पुरानी दुनिया का विनाश करना तो ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में विनाश होना है पहले या बाहर की दुनिया में होना है
ब्राह्मणों की संग मिल दुनिया विनाश हो रहा है, तो फाउंडेशन पूरा ही लग चुका। जिनका विनाश होना है वो अंदर अंदर समझने लगे कि हमने घाटे का सौदा कर लिया। जो प्राप्ति करनी है हम उससे वंचित रह गए। शिवाजी का पार्ट दिखाया है इतना चमत्कार, वो बाप का ही पार्ट है क्या? शिवाजी को दिखाते हैं कि भारत का बड़े से बड़ा सम्राट हुआ मुगल सल्तनत का औरंगजेब। उस औरंगजेब सम्राट को भी लोहे के चने चबा दिए और उसके कंट्रोल में नहीं आया। औरंगजेब जैसा सम्राट भी शिवाजी से हार गया। कितनी बार आक्रमण किए परंतु कब्जे में आते आते भी कब्जे से निकल गया। ब्राह्मणों की संग मिल दुनिया में उस आत्मा की शूटिंग होती है या नहीं होती है? होती है। विशेषता क्या होती है? मुसलमानों की लाखों की तादाद में सेना और उसके मुकाबले शिवाजी की मुट्ठी भर लेना। उस आश्रम में दिखाया है एक तरफ पांच पांडव और दूसरी तरफ तादाद यादव और कौरव, और फिर भी जीत किसकी हुई? पांच पांडव मुट्ठी भर पांडवों की जीत हो गई। कला में माहिर था शिवाजी, कोई कला होगी उसके पास? अरे तलवार के तो धनी मुसलमान भी बहुत होते हैं। किला बनाने में एक्सपर्ट था। क्या किला माने? संगठन का किला बनवाने में बनाने में बहुत मजबूत था। चुटकियों में किला तैयार करता था और मुसलमानों की सेना उस किले में कुछ काम नहीं कर पाती थी। किला ऐसा तैयार करता था कि जिसमें सुरंग सबसे पहले तैयार करना। अगर खुदा न खास्ता किला छोड़ना भी पड़े तो सुरंग से पता नहीं कहां के कहां चले गए। उनके हाथ न रानियां लगनी और न राजाएं लगने। कोई किले बनाने की सिफ्त थी। संगठन का किला बनाने की जो ताकत है जो शिवाजी में थी वो हिस्ट्री में और कोई भी राजा में नहीं थी। उनके बनाए हुए किले आज भी भारतवर्ष में टूटे फूटे देखे जा सकते हैं। शिवाजी के बाद उनका पास क्या था इतिहास में? हीरो पार्टदारी है तो हीरो ही पार्ट बजाएगा। जहाँ कहीं भी जिस जन्म में भी लेकर के पार्ट बजाएगा जरूर अपने ग्रुप के बीच में हीरो पार्ट बजाएगा। हीरो तो हीरो ही होता है। तो बाप का ही ना पार्ट है उसका। है बाप का ही ना पार्ट है उसका। पांडवों के लिए बताते हैं ना कि लाखा भवन में पांडवों को जलाने का युक्ति को उपाय किया गया, लेकिन पांडव ने पहले से ही उनके लिए सुरंग तैयार कर दी किले के अंदर। मैंने गुप्त स्थान गुप्त रास्ता ऐसा गुप्त रास्ता जिसकी खबर कोई को होती नहीं।
बाबा बाप दादा में दादा राम बालेश्वर या कृष्ण बालेश्वर? राम वाली आत्मा के लिए बाप दादा कहा जाए तो राम वाली आत्मा भी पहले बेसिक में होती है या नहीं होती है? है? होती है। तो उसके लिए पहले पहले बाप दादा कौन? राम वाली आत्मा के लिए जब वो बेसिक में आती है तो बाप कौन और दादा कौन? है? दादा लेख रहा क्या? दादा। और बाप कौन? राम तो खुद ही है। इसलिए उन्होंने साकार मूल्य में बाबा बोला इनको बाप दादा नहीं उनको बाप दादा कहते। बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी। माने राम वाली आत्मा जिस समय बेसिक में आती है तो जब उसके सामने बाबा शब्द यूज होता है तो वो किसको याद करती है? ब्रह्मा को याद करती है या बिंदी को याद करती है? बिंदी को याद करती है। वो ही उसका बाप हुआ। और दादा कौन हुआ? बेसिक में कोई साकार थोड़ा ही मालूम होता है। बेसिक के लिए बेसिक के हिसाब से जो राम वाली आत्मा बेसिक में जब आती है तो उसके लिए बाप कौन और दादा कौन? क्यों बाप दादा है ब्रह्मा। और जब संक्षेत्र से पांच प्रत्यक्ष होता है बच्चों के बीच में तो बच्चों के लिए बाप कौन है और दादा कौन है? राम वाली आत्मा के थ्रू जो ज्योति बिंदु है बाप। पर्सनालिटी एक हो गई और दूसरा दादा है ब्रह्मा की गुरु। दो बात एक में कंबाइन। और दादा है राम वाली आत्मा वो है मनुष्य शक्ति का बाप। और शिव वाली आत्मा बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। लेकिन पर्सनालिटी दोनों की एक ही। और एडवांस में बाप साकार में है या निराकार में? साकार में निराकार बाप आया हुआ है। माने बाप भी हमारा प्रवृत्ति वाला है। बिना साकार प्रवृत्ति के बाप सिर्फ निवृत्ति वाला नहीं है। और जो निवृत्ति मार्ग वाले धर्म है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि वो बाप को प्रवृत्ति मार्ग के रूप में देखते हैं या निवृत्ति के रूप में देखते हैं? और सिर्फ बिंदु के रूप में देखते हैं। बाप और दादा के प्रोडक्ट के ब्रह्मा है। दादा है प्रोडक्ट के ब्रह्मा। एक मूल से जगह है। बाप है प्रजाति का ब्रह्मा। बाप है शिव बाप और दादा है प्रोडक्ट के ब्रह्मा। एक मूल में सुना है नहीं। बाप शिव बाप आत्माओं का बाप और दादा सब कहा जाता है। जो साकार शरीरधारी है साकारी है सिर्फ निराकारी स्टेज वाला नहीं है। बाबा मैंने भी सुना किसी के सिर में प्रजापिता के लिए दादा कहा गया। टाइटल लाली प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है। बाबा जो राजा की आत्मा तो राजा की पढ़ाई पढ़ के राजा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा राजा की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। राज्य की पढ़ाई नहीं पढ़ते।
राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले राज परिवार में जन्म लेंगे, राज परिवार में पलेंगे, राज परिवार में सोएंगे खाएंगे या बाहर सोएंगे खाएंगे। जो प्रिंस प्रिंस पैदा होते हैं 16,000 वो राज परिवार में होते हैं या बाहर प्रजावर्ग में होते हैं? राज परिवार में होते हैं। इसके अलावा कौन से पूरा खेल होना पड़ेगा? सोलह हजार में जाने के लिए कौन से पूरा खेल होना पड़ेगा? तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंध से, अंत में जो भी 16,000 की लिस्ट वाले होंगे उनको कुछ न कुछ परसेंटेज में समर्पित जरूर होना पड़ेगा सरकार के सामने। लेकिन जो भाई लोग जो है उनको कौन से सिलेंडर नहीं होंगे? जो ऐसे भाई लोग नहीं है जो जब से एडवांस में आए हैं तब से लेकर अब तक भी ब्राह्मण परिवार के अंदर ही खाते हैं, ब्राह्मण परिवार के अंदर ही रहते हैं, वहीं सेवा करते हैं, वहीं सोते हैं, ऐसे नहीं है क्या? थोड़ा तो है अभी, थोड़े हैं, आगे चल के ज्यादा हो जाएंगे। जो है राज्य की पढ़ाई पढ़ते हैं उससे आत्मा नहीं पढ़ते? अरे राज परिवार के जो सदस्य होंगे, प्रिंस प्रिंस बनने वाले होंगे, वही राजयोग की पढ़ाई पढ़ेंगे या प्रजावर की आत्मा राजयोग की पढ़ाई पढ़ेंगे? जो आत्मा है वो तो प्रजावर की है। लेकिन एक कैसे में बोला है अगर ज्यादा समझेंगे यथा राजा तथा प्रजा, माने अपने में अंतर नहीं समझेंगे। जो प्रजा है वो राजा से दूर नहीं होगी। कोई कोई ऐसे भी राजा हुए हैं हिस्ट्री में, मिल जाएंगे बहुत से, जो प्रजावर्ग की कोई भी आत्मा उन तक पहुंच सकती है। नारायण की एक खासियत बताइए, दुनिया के ऊंचे से ऊंचे तबके के व्यक्तित्व से लेकर के दुनिया के नीचे से नीचे तबके के व्यक्ति के साथ उसका मेल हो सकता है, वो सबके साथ संस्कार मिला सकता है। राम वाली आत्मा तो जो में बैठा हुआ है, है? राम वाली आत्मा तो जो में है क्या? और जैसे देखिए राम वाली आत्मा जो में, लेकिन जब फिजिकल आया है तो उसको तो रेस का कोई बात नहीं है, रेस का है विश्राम का, है विश्राम का, विश्राम का कोई बात नहीं, बात नहीं। अच्छा जब राम वाली आत्मा खुलते है या विश्राम में तो उतने बात हो, विश्राम की कोई बात नहीं है, शक्ति पे साथ जाने की बात है या नहीं? राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा तो वो तो बात ही अलग है, वो तो आकरता है। तो जब राम वाली आत्मा खुलते है या शरीर के भाव में आते हैं क्या सोल बाप खुद कहते हैं जो बच्चे हिम्मत करते हैं उनके लिए मैं मदद करता हूँ, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। तो यहाँ भारतवर्ष में ऐसे बच्चे नहीं है जो बच्ची करने के बाद विदेश में चले जाते हैं, है या नहीं? है। और वो विदेश में रहने वाले बच्चे अगर हिम्मत करें ईश्वरीय सेवा करने के लिए तो उनमें बाप प्रवेश करके उनको दृष्टि की पावर और वाचा की पावर, वाइब्रेशन की पावर देने के लिए बांधा हुआ नहीं है। तो उन तो भारतवर्ष में रात है तो विदेश में दिन है। उन बच्चा क्या सात बजे में विदेश चला जाता है? कौन सा बच्चा? शादी करने के बाद जाते नहीं है क्या? बाप वही चला जाता है, बाप उसे बाप मैंने सुप्रीम जाते थे, बाप और दादा रहते ही है साथ साथ। मतलब आत्मा कंबाइंड रहते हैं, सोल और कृष्ण वाली आत्मा जिनको बाप दादा कहा जाता है वो बाप दादा को बाप दादा के रूप में साकार में देखने वाले अलग है और निराकार और आकार में देखने वाले अलग है और सिर्फ आकार में देखने वाले अलग है। जब अभी पूजाकार में जाते हैं उसमें छोड़ जाते हैं कम्बाइन है दोनों, सूक्ष्म शरीर डाली जाती है आत्मा, लेकिन बाप नहीं जाते। बाप
सारी सृष्टि का बीज है या सूक्ष्म शरीर आ रही है? सूक्ष्म बीज है, बीज तो आज से लेकर के अब तक बीज रूप स्टेज में ही रहने वाला होगा। 500 करोड़ आत्माओं में सबसे जास्ती बीज रूप स्टेज में रहने वाला कौन होगा? कोई होगा या नहीं होगा? हाजिर किया हुआ तो भूल जाता नहीं है नहीं, लेकिन जो यहाँ से सीधे फाट करके चला जाता है तो उसके साथ बाप दादा भूल जाते थे, लेकिन इसमें नहीं आता भूल जाता नहीं। यार दादी में सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है और राम वाली आत्मा में संपर्क में आने मात्र से ही कृष्ण की सोल आकारी नहीं रह पाती, क्या बन जाती है? बीज रूप स्टेज वाली बन जाती है। बीज रूप अंदर में हो जाते हैं बाबा है, शिव राम कृष्ण है, इन्हों जब बीज रूप में हो जाते हैं हाँ? तो पूरा ही संकल्प तो बंद कर देता है अथवा वार्तालाप करते आपस में। 500 करोड़ पुरुषार्थियों ने नंबर वार जो पुरुषार्थी होते हैं उनमें कोई की खास रूप ऐसा भी है जो बाप दादा की श्रीमत है कि अभी अभी साकारी बनो, अभी अभी आकारी बनो, अभी अभी निराकारी। उस निराकारी स्टेज में धारण करने वालों की लिस्ट भी कोई होगी या नहीं होगी? उस लिस्ट में वो राम वाली आत्मा अव्वल नंबर होनी चाहिए। जब चाहे निराकारी निसंकल्पी स्टेज को धारण करे और उसका प्रूफ ये होगा उस आत्मा के संग के रंग में प्रैक्टिकल में जो भी आवेगा, अगर उस कुल की आत्मा है तो अनुभव करेगा कि वो भी निसंकल्प हो गया। चाहे फोन के द्वारा संकल्प संपर्क में आए, संबंध में आए, शरीर के द्वारा कोई भी रूप में आवेगा, कुछ क्षण के लिए ये अनुभव जरूर करेगा वो निसंकल्प हो जाएगा। वो तो ठीक है बाबा, हमने क्या राम वाली आत्मा का शिव कृष्ण राम तीन आत्मा है और तीनों आत्मा बीज रूप स्टेज में है, लेकिन जब बीज रूप स्टेज में होता है तो आपस में क्या पूरा संकल्प रहते हैं ना, रहते हैं ना वार्तालाप भी अंदर का आपस में करते हैं, आपस में अगर अंदर अंदर संकल्प चलते हैं तो आकारी स्टेज है या निराकारी स्टेज आकारी कहीं तो दैट मीन्स यदि तीनों एक साथ में रहता है कोई बातचीत नहीं होता, चुपचाप रहते हैं। जरूरत क्या है? ज्यादा वाइब्रेशन अच्छा निराकारी स्टेज में बनता है या आकारी स्टेज में बनता है या साकारी स्टेज में बनता है? निराकारी स्टेज से बहुत अच्छा वाइब्रेशन बनता है, ऑटोमेटिक सर्विस होती है। लेकिन शिव बाबा तो कृष्ण की आत्मा को डायरेक्शन देगा ना, जैसे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हजार बुझा में पार्ट बजाओ, ऐसा बजाओ वैसा बजाओ, ऐसे कुछ बोलने नहीं पड़ेगा। बोला वो जो कृष्ण वाली आत्मा है वो ओरिजिनल रूप में आकारी है या निराकारी है या साकारी है? ओरिजिनल रूप में अभी अभी तो आकारी आकारी है। तो आकारी आकारी जो होते हैं उनको वाचा की जरूरत होती है तो संकल्प करना पड़ेगा। वो सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं हैं उनको वाचा की जरूरत है नहीं, संकल्प मात्र से ही उनको समझना है। अच्छा संकल्प तो मन से होता है हाँ। लेकिन शिव बाबा जी बिजली से है हाँ। ये जो संकल्प में कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा हाँ। तो बुद्धि द्वारा देगा। राम वाली आत्मा साथ में नहीं है, राम वाली आत्मा के साथ में लेकिन बिजली से है तो क्या हुआ? जब चाहे तब आकारी बन जाए, एक सेकंड के लिए आकारी बन जाए तो अंदर और क्या, अंदर के बाहर आके एक सेकंड में आकारी और एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में निराकारी, लेकिन अंदर में आकारी आकारी नीचे निराकारी आ सकते हैं। अभी अभी बातचीत नहीं होता हाँ। तो यहाँ बात है 5000 साल का परम धर्म,
और यहाँ लिमिट कितनी है परमधाम की? कम से कम परमधाम कितने टाइम का हो सकता है? एक सेकंड का भी परमधाम देंगे। और आज मुझे बताया जो हम लोग का दर्दन में आना पड़ता है, तो दर्दन में आकर के हम लोग उड़ा। तो मतलब अभी दलदल में शंकराम लगा दे तो शंकराम तो उनको लगता ही नहीं है सूर्य आत्मा। तो इस दलदल में क्या आता है उठाने के लिए? दलदल में राम कृष्ण शिव तीनों के द्वारा त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है? एक के द्वारा कहा जाता है क्या? कागज तो गुरुओं का है, गुरुओं के लिए जो बोल रहे हैं उनका तो पहले जवाब दे दे। माता जी, माता जी हो, पिताजी हो, हाँ जी हाँ जी, जितने लोग बैठे हैं उनसे बात करें कि हाँ बात करें, जरूरी है, हाँ जरूरी है, वो भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। खुद ही दंगल में फंसा हुआ है, उसके लिए तो झूठ बोल दिया है कि वापस अगर जब चाहे तो वापस जा सकते हैं। क्या वो तो बिल्कुल झूठी बात है, असल पे हमें विश्वास ही नहीं होता। हाँ बताओ। हाँ जोर से बोलो, वैसे बोलते हो तो चारों तरफ आवाज जाती है। देवताओं को डुबा देते हैं, पांव रख के डुबा देते हैं। हाँ जी, कार्तिक है, देवियां हो और चाहे गणेश आदि देवताएं हो, जो भी है, जब भगवान प्रत्यक्ष होता है एक बाप तो उन सब की पोल पट्टी खुल जाती है, देवियों की भी और देवताओं की भी। तो जब सच्चा मिल गया तो झूठों को क्या करेंगे? डुबोएंगे या उनकी पूजा करेंगे? डुबो देते, नहीं डुबोएंगे तो बुद्ध रूपी पांव उनके ऊपर रख देंगे। तो वो तो हल्के है, देवताओं के पास उतना ज्ञान नहीं होता, तो बुद्ध रूपी पांव भारी संग के ऊपर रख करके फिर उनको डुबो देंगे। अभी बेसिक नॉलेज में जो देवियां मानी जा रही है, उन देवियों को बुद्ध रूपी पांव रख करके एडवांस वालों ने डुबो दिया या नहीं डुबो दिया? डुबो दिया या उनकी पूजा कर रहे? अब पूजा तो नहीं कर रहे, ऐसे ही एडवांस में भी हो गया। हाँ बोलो, लास्ट धर्म में जिस धर्म में जाकर उनको गिरना है, माने माया के चंबे में आखिरी जन्म में आना है। लेकिन जो हम लोग सपने में जाते हैं कोई उस समय तो धर्म में जाते हैं ना, माया के चंबे में आते हैं, मायावी धर्म के चंबे में आ जाते हैं आखिरी जन्म। जब हम अपना होता है स्थापना होती है बाबा, हाँ जब राजा की स्थापना होती है कौन सी राजा आएगी? कोई भी धर्म, जब राजा की स्थापना करने जाते हैं तो वो बाप समान होते हैं उस धर्म के, ये अभी भी प्रजा होकर जाते हैं, और उसको चिन्ह नहीं देंगे, नहीं वो बाप बन करके जाते हैं उस धर्म के। वो जितने भी उस धर्म में कन्वर्ट होने वाले सबको उनसे राजाई लेनी है, वो राजाई देने वाले नहीं है, जो लेने वाले हैं वो राजाई लेने वाले हैं, बापू जी हमें दे दो, और वो लेने वाले बच्चे भी तुम ले लो। बाबा
दो बांदर आपस में लड़े तीसरा खा लिया मक्खन है कि मुख में मक्खन आ जाता है और जो यादव कौरव हैं वो आपस में लड़ते हैं और उनकी राजा इज्जत हो जाती है कि उन्होंने धनी धोरी का पता ही नहीं बंदर बंदर के बंदर ही रह जाते हैं।